तो फाइनली दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि बॉलीवुड की मच अवेटेड फिल्म पठान से क्या रहा बड़ा अपडेट, कब होगी ये मूवी और इसका ट्रेलर रिलीज, और कैसे ये मूवी हॉलीवुड को एक्शन के मामले में पीछे छोड़ चुकी है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और पठान मूवी से जुड़े सभी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पठान एक एक्शन क्राइम स्पाई ड्रामा मूवी होने वाली है जिसे डायरेक्ट किया जा रहा है वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के द्वारा, जिन्होंने वॉर जैसी मैसिव ब्लॉकबस्टर मूवी दी थी। और वहीं इस मूवी को प्रोड्यूस करने यशराज फिल्म्स, जो कि फेमस है अपने यूनिक कॉन्सेप्ट के लिए। दोस्तों खबरों की माने तो इस मूवी का बजट 250 करोड़ से लेकर 350 करोड़ तक का हो सकता है, क्योंकि इस मूवी का क्रेज इतना ज्यादा है कि शाहरुख खान 2021 में बिना कोई मूवी लाए इंडिया के सेकंड मोस्ट पॉपुलर एक्टर बन चुके हैं। और तो और दोस्तों पठान मूवी एक ऐसी अपकमिंग मूवी बन चुकी है जिसे सबसे ज्यादा सर्च किया जा चुका है। और वहीं अगर हम बात करें इस मूवी में कौन कौन से एक्टर आपको देखने को मिलेंगे, तो इस मूवी की मेन लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे किंग खान यानी कि शाहरुख खान, और उनका साथ देती नजर आएंगी मोस्ट टैलेंटेड एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, और वहीं विलेन के किरदार में नजर आएंगे बॉलीवुड के हैंडसम हंक कहलाए जाने वाले जॉन अब्राहम। और यहीं पर खत्म नहीं होता है, इस मूवी में आपको स्पेशल अपीयरेंस देखने को मिलेगा भाईजान यानी कि सलमान खान का। दोस्तों कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि यह मूवी एकदम बंटा ढार होने वाली है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस मूवी ने हॉलीवुड को भी पछाड़ दिया है। जी हां दोस्तों, इस मूवी की शूटिंग दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के अंदर भी की गई है, और सुनने में यह भी आया कि इस बिल्डिंग के अंदर आपको एक्शन भी देखने को मिलेगा जो शायद ही पहले किसी भी मूवी में हुआ हो। दोस्तों इस मूवी का क्लाइमेक्स बॉलीवुड का सबसे बजटेड क्लाइमेक्स होने वाला है। दोस्तों पठान और टाइगर 3 मूवी आपस में इंटरलिंक होने वाली है, जिस कारण पठान मूवी पहले और टाइगर 3 बाद में आना जरूरी है, तो इसीलिए पठान मूवी पहले रिलीज होगी और टाइगर 3 बाद में। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस मूवी से आ रहे बड़े अपडेट की। कुछ दिन पहले अपडेट आया था कि पठान मूवी की शूटिंग जो स्पेन में होनी थी उसे पोस्टपोन कर दिया गया है, क्योंकि वहां ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस कुछ ज्यादा ही निकल रहे थे। और कुछ दिन बाद इस मूवी में जो विलन का रोल प्ले कर रहे हैं जॉन अब्राहम, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे बताया कि वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। और तो और इस मूवी का नेक्स्ट शेड्यूल रखा गया है फरवरी के महीने में, जो कि अब मुश्किल ही नजर आ रहा है क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट रुकने का नाम नहीं ले रहा, जिसके कारण यह मूवी जो दिवाली के मौके पर लगभग रिलीज होने को थी अब वो आपको क्रिसमस के मौके पर देखने को मिल सकती है या फिर नेक्स्ट ईयर 2023 में 26 जनवरी को देखने को मिल सकती है। और वहीं इस मूवी का ट्रेलर भी आपको 2022 के एंड या फिर न्यू ईयर के मौके पर ही देखने को मिलेगा। दोस्तों इस वायरस के चलते लगभग हमें एक साल का और इंतजार करना पड़ेगा, अगर सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाता है तो यह मूवी आपको दिवाली के मौके पर भी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और पठान मूवी से जुड़े सभी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।